Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I am Sandeep N. The Kasan Sanapur Maharashtra. So guys, today I am going to talk about very important things. So you have to tell me that you are bike ride. आप बाइक राइड करो, लेकिन यार थोड़ा देख के करो कैसा है। लाइफ का टाइम है ना, आपको बता के नहीं आएगा जो भगवान है ना, ये आपको बता के नहीं आएगा कि भाई तू आज गाड़ी बहुत तेज चला रहा है तो मैं आऊ कि नहीं आऊ करके। वो आपको समझना चाहिए, आपको हर बातें आपको समझनी चाहिए कि मैं अपनी गाड़ी जो है, अपनी बाइक जो है वो कितनी की स्पीड पे लेके जा सकते हो, उतना मेरे को वो कंट्रोल हो। आपके अगर बाइक 100 सीसी के होना तो आप 80 पे स्पीड रखो, 150 की सीसी के होना तो 100 पे स्पीड रखो या 120 पे स्पीड रखो। वो आप ना यार कंट्रोल कर दो अपने बाइक को, आपको जितना कंट्रोल होता है ना उतनी स्पीड से चलाओ। ज्यादा स्पीड आपको क्या हीरो बनना है या कौन से मूवी में जाना है आपको? मैं देखता हूँ यार, मैं अपनी बाइक लेके जाता हूँ ना। तो गाइस मुझसे ना हर बंदर रेस लगाने की बात करता है, लेकिन मैं उसको बोलता हूँ यार भाई तू अपनी स्पीड से जा, तू अपने खुद की रेस लगा अपने जिंदगी के साथ। मेरे को रेस लगाने का कोई शौक नहीं है, क्योंकि तेरी बाइक बहुत बड़ी है, उसकी बाइक छोटी भी रहो ना मैं उसको बोल देता है भाई तेरी बाइक बहुत बड़ी है, मेरे को रेस लगाने का कोई शौक नहीं है और मैं आज मूड में नहीं हूँ, सीधा मैं बोल देता है। लेकिन गाइस इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसके साथ रेस लगाओ। काफी सारे मोटो ब्लॉगर है ना गाइस, आपको उनके वीडियो देख लो, वो डालते छपरे के साथ रेसिंग लगा दिया हमने। गाइस क्या मतलब हो गया? अरे एक तो छपरे तू खुद बन रहा है, तू यूट्यूब पे आके डाल रहा है कि छपरे के साथ मैंने रेसिंग लगा दिया, तो अपने एटीट्यूड बता रहा है क्या बन रहा है भाई, कि तेरी गाड़ी का स्पीड बता रहा है किसी को, तो छपरी तो तू क्यों बन रहा है छपरी? मत बनो ना यार, वो उसको बनना है ना छपरी, उसको गाड़ी चलाने आपके साथ रेस लगाना है ना, लगाने दो, वो अपनी स्पीड से जाएगा, वो आप अपनी स्पीड मेंटेन करो बस, और क्या है। राइडर का मतलब ये नहीं होता कि हर वो बंदा आपका तो रेसिंग लगा रहा है तो आप भी उसके साथ रेसिंग लगाओ कुछ करो भाई। आपको हर राइडर के पास काफी अच्छी बाइक ही होती है, 150 सीसी के अबव ही होती है, लेकिन छपरी लोग जो होते हैं ना उनके पास नहीं होती, उनके पास ज्यादा से ज्यादा 150 होगी या उससे ब्लो होगी, लेकिन वो ना गाइस उसमें थोड़ा एटीट्यूड आ जाता है रोड पे चलते समय कि इसके पास बहुत बड़ी बाइक है तो मैं इसके साथ क्यों नहीं रेस लगा सकता, तो थोड़ा एटीट्यूड दिखाता है, तो गाइस उससे भी मतलब नहीं है। और आप डालते हो यूट्यूब पे तो गाइस ये तो डालना बंद कर दो यार, क्योंकि काफी सारे लोग है ना इसके वजह से मालूम है क्या फ्रस्ट्रेटेड भी हो रहे हैं और काफी सारे लोगों का एक्सीडेंट इसी वजह से हो रहा है। तो गाइस मुझे यही बात बतानी थी कि अपना एक उत्तराखंड का एक बंदा था राइडर ही था 11 प्रो राइडर करके, राइडर के साथ साथ वो यूट्यूबर भी था, तो यूट्यूब की उसकी मीटअप था दिल्ली में, तो उत्तराखंड से वो दिल्ली जा रहा था तो यमुना के तट पे उसका एक्सीडेंट हो गया। क्यों? क्योंकि वो खुद मोटो लॉगर का था, एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए था क्योंकि लोगों को ज्ञान सिखा रहा था, वो वीडियो सिखा रहा था बताना, उसका एक्सीडेंट क्यों हुआ? क्योंकि वो बंदे ने कभी अपने लाइफ में 300 की स्पीड से कभी बाइक चलाई नहीं थी, और वो बंदा अपना शहर छोड़ के दूसरा शहर में चला गया और वहां पे जाके आके वो बंदा 300 अबव की स्पीड से चल रहा है और वीडियो भी ऊपर से शूटिंग कर रहा है, जाकर के डिवाइडर को ठोक दिया, हेलमेट टूट करके बाहर आ गया सिर में से, और उसके ऑन द स्पॉट एक्सीडेंट से मौत हो गई। I
अबे यार ट्रैफिक बहुत आ रहा है, थोड़ी ना यहाँ पे ना चेक के बहानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे जो कार चल रही है ना अभी है, तो मैं क्या कह रहा था यहाँ पे ना चेक के चलानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे जो कार चल रही है ना वो भयंकर बिना इंडिकेटर दिए राइट लेफ्ट हो जाती है, तो थोड़ा देख के चलना पड़ेगा बहुत ज्यादा, थोड़ा सा लेफ्ट होकर चलेंगे, बीच में नहीं चलेंगे, और अगर वहां पे कार है ना और यहाँ पे मैं हूँ तो 200 मीटर पहले ब्रेकिंग अप्लाई करेंगे ताकि फुल सेफ्टी रहे। अगर मैं बाहर मुंह निकाल रहा हूँ ना तो उड़ जाऊंगा पीछे, तो अंदर घुसना पड़ रहा है। काम नहीं कर रहा, हेलमेट धोखा दे रहा भाई, ये हेलमेट की पैडिंग इतनी ढीली है मुझे लग रहा है उड़ना जाए बस ये। यहाँ से यूटर्न मार रहे हैं क्योंकि आगे ना यूटर्न नहीं मिलेगा, फिर सीधा 80 किलोमीटर के बाद मिलेगा यूटर्न।
हेलमेट टूट करके सिर में से बाहर आ गया, ऑन द स्पॉट चला गया, माँ बाप रोने लगे उनको पता चले तो, माँ बाप बाहर, उनके लाइफ में क्या 22 साल का लौंडा था, ज्यादा भी नहीं, कूल और कूल 22 साल का लौंडा, बताओ गाइस। अरे यार और भी मोटो लोग रहे लाइफ में, बहुत बड़े बड़े मकसद अचीव कर चुके हैं। विशाखा राइडर से बन मैडम, वो मैडम की अब 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए यूट्यूब पे, अनुराग सर 6 मिलियन के आसपास आ चुके हैं, लेकिन उन्होंने कुछ बताया आपको ऐसे कुछ? आपका वीडियो देख लो आप उनके, हाँ उनके वीडियो है, उनके वीडियो देख लो आप कि मेरे बाइक BMW है, वो BMW में मैंने 400 स्पीड का वो बाइक चलाई, कभी किया उसने किया होगा तो आपने वीडियो देखा होगा, लेकिन मैं अभी तक उनकी वीडियो देखा हूँ तो मेरे को नहीं दिखा है, आपको अगर देखना होगा ना यार तो विशाखा मैडम का वीडियो देखो, एडवेंचर एक्सप्लोर करती है वो, अपने आप को बदलना बिल्कुल, अपने लाइफ के डेली रूटीन की अभी वो वीडियो डाल रही है, दोनों भी अनुराग सर और विशाखा दोनों भी अपने डेली रूटीन की वीडियो डाल रही है, उनके आप उनको फॉलो करो यार, ऐसे बंदे को मत करो यार, खुद अनसेफ रह के दूसरों को मोटो लॉगिंग सिखाते हैं, मोटो लॉगिंग सिखाते नहीं है वो लोग, वो खुद को मोटो लॉगिंग कर रहे। 10 दिन में 2 खबर आ चुकी है कि 2 यूट्यूबर्स की डेट हो गए, दोनों के भी स्पीड की वजह से, एक दानिश जैन करके बंदा था टिकटॉकर फेमस, उसका कार एक्सीडेंट में मौत हो गई, वो भी उसने भी डिवाइडर पे जला दिया गाड़ी। याद है तेरी मुझको भी बहुत भी आदी है, तेज चलाई तूने क्यों अपनी गाड़ी, याद है मुझे तेरे हर एक पल, जैसे कटता है दिन रात और कल, मुझको भी मिलने तू जल्दी आ, फिर से भी मुझको यू ना सता, मैनू डर जिहा लगता है, याद है तेरी मुझको भी बहुत भी आदी है, तेज चलाई तूने क्यों अपनी गाड़ी, वो भी उसने भी डिवाइडर पे जला दिया गाड़ी। और एक है 11 प्रो राइडर, उसने भी अपने बाइक को डिवाइडर पे जो चला के खुद मौत कर दी। अरे ऐसा तो मत करो यार गाइस, बाइक है ना आपके पास चलाओ, लेकिन कंट्रोल में चलाओ, करो ना यार वीडियो बनाना है आपको, एडवेंचर का बनाओ, मैं बाइक कैसे राइड कर रहा हूँ उसका बनाओ, लेकिन इसका मत बनाओ कि मैं कितना रेस कर रहा हूँ, कितने गाड़ी तेज चला सकता हूँ। गाइस आपके अगर मौत हो जाएंगे ना वीडियो बनाते हुए मोटो लॉगिंग करते हुए, गाइस तो आपको कुछ नहीं, सब आपके फैन है ना, जितने भी आप सब्सक्राइबर कलेक्ट कर रहे हो ना यूट्यूब पे, वो सारे के सारे लोग RIP लिख के चले जाएंगे, बाकी कुछ नहीं लिखने वाले। सबसे बड़ा दुख जो होने वाला है ना वो आपके फैमिली को होने वाला है, पता है गाइस, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होने वाला है वो आपके फैमिली को होने वाला है, बाकी किसी को नहीं। इसलिए गाइस वक्त है आपके पास, सुधर जाओ, वो थोड़ा ये रेसिंग में से लगा दो ना हाईवे पे, वो थोड़ा कम कर दो, क्योंकि गाइस रेसिंग ना बाइक भी लगाता है और घोड़ा भी लगाता है, लेकिन रेस लगाने के तरीके अलग अलग होते। मुझे ये मेरा ब्लॉग तो नहीं है, ये वीडियो मेरे को बनाने के इसलिए जरूरी था क्योंकि मैं गाइस अपनी बाइक लेके मालूम है कि बंगलोर एक्सप्रेस हाईवे से मेरा डेली रूटीन है, वर्क है, मैं आप देखता हूँ, मेरी बाइक यामा की एडेड है, और एक बाइक है वो पुणे में मैंने रखी है कवासाकी निंजा करके, तो मैं बाइक को उस अभी मैं रिव्यू करने वाला नहीं हूँ, उसको बाकी काम वगैरह बहुत कुछ करना है, 2-3 महीने उसमें टाइम है, वो कवर हो जाने के बाद मैं वो बाइक का राइडिंग वगैरह आपको सब कुछ बता दूंगा, लेकिन मैं अभी फिलहाल तो FZX चला रहा हूँ यामा की। तो गाइस मैं चलाता हूँ ना तो मेरे से बाजू में जाने वाला स्प्लेंडर वाला बंदा भी आगे निकल जाता है, वो और दिखाता है मेरे पास और स्पीड है, तेरे पास स्पीड है और स्पीड है और भगाता है अपनी गाड़ी, क्यों गाइस ऐसा क्यों कर रहे हो गाइस? मुझे बातों से कुछ
इतना ही बताना था, आप गाड़ी चलाओ, राइडर बनो, लेकिन फुल सेफ्टी के साथ अपनी बाइक चलाओ। और गाइस मैं ये भी बता दूंगा कि उसका हेलमेट क्यों निकला होगा। जब मैं अपने राइडिंग गियर्स दिखाऊंगा आपको जिस दिन, तो मैं इस दिन भी आपको ये भी दिखा दूंगा कि उसका बंदे का हेलमेट क्यों निकला। ठीक है गाइस, तो चलो मिलते हैं अगले व्लॉग में कुछ इसी तरीके से। ये व्लॉग नहीं है, वीडियो है, आपको अवेयर करना था इसलिए मैंने छोटा वीडियो बनाया। हाँ गाइस, काफी देर हो चुके हैं, एक वन वीक होगा मैं किधर एडवेंचर टूरिस्ट में वगैरह नहीं गया हूँ। लेकिन गाइस मैं सोच रहा हूँ अगर टाइम मिलेगा संडे वगैरह दिन, तो मैं आपको अच्छा सा एडवेंचर एक्सप्लोर करा के दे दूंगा। तब तक के आपके भाई आपसे थोड़ा रेस्ट मांग रहा है। ठीक है, थैंक यू।